guys, welcome back to my YouTube channel. This is Twinkle. Hope you all are doing well, guys. And guys, if you don't know me, I am Twinkle. I make the video regarding shopping, cafe and restaurant in Bangalore. So please guys, do subscribe my channel. And guys, today we are going to explore one more new restaurant bar, which is Tap Room by Sherlock, which is present JP Nagar 6th phase. And I am super excited. It is near to my home. So let's go guys to explore it. So guys, we reached at our restaurant and here is the restaurant Tap Room by Sherlock, and it is looking so pretty. And yeah guys, सो गाइज, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए. और अंदर जाते ही एक टेलीफोन बूथ सा एक डेकोर पीस था जो बहुत ही प्रिटी सा लगा मुझे एंट्री करने के टाइम में. और बहुत ज़्यादा वॉल पेंटिंग था विथ ब्रिक वॉल्स, बहुत ही ज़्यादा लाइक बार वाला वाइब आ रही थी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे. और आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड बहुत ही प्रिटी सा लग रहा है. और ऐसा नहीं है बहुत फैंसी लग रहा है, टोटली द मतलब वाइब भी बहुत डिफरेंट है. जो मुझे पसंद है उससे थोड़ी अलग है, बट बहुत अच्छा है. सो गाइज, ये सारे सिटिंग अरेंजमेंट है जो आउटसाइड सिटिंग अरेंजमेंट है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही सुंदर लगा. क्योंकि इसकी जो पूरा इंटीरियर है उसके साथ ग्रीन वाइब बहुत अच्छा लग रहा है. और ये आप देख सकते हैं, ये सारे चेयर एंड सिटिंग अरेंजमेंट है, बहुत ही प्यारा सा है. और ऊपर भी फ्लोर है. और जब मैंने एंट्री किया था, बाहर से बहुत छोटा लग रहा था, बट राइट नाउ इट्स अ वेरी ह्यूज प्लेस टू लाइक सिट एंड चिल. एंड इनकी बार एरिया बहुत बड़ा है गाइज, सो लेट्स go up to explore it. बेस्ट थिंग अबाउट दिस रेस्टोरेंट गाइज, बहुत ही ज़्यादा वाइड स्पेस है. मतलब आपको स्पेस में कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कंजेस्टेड है, बहुत ही अच्छा सा है. और ये मिडिल पार्ट है जहाँ पे एक ट्री भी है, और ट्री के पास भी डीजे है, उसके अराउंड में सेटिंग अरेंजमेंट है. और बहुत ह्यूज है, मतलब बहुत ह्यूज फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप के लिए बहुत ही प्यारा सा सेटिंग अरेंजमेंट है. गाइज, इसके ऊपर भी सिटिंग अरेंजमेंट थी, सो लेट्स गो टू एक्सप्लोर इट. और ये देख सकते हैं, ये काइंड ऑफ एसिड डिस्प्ले था. और इधर की भी सेम सिटिंग अरेंजमेंट थी, बट इधर 2 सिटिंग 3 सिटिंग की ज़्यादा अरेंजमेंट थी. और ये है डाउन जो लुक है इसकी. और इसके अलावा भी गाइज, बाहर भी बहुत वाइड स्पेस थी. या गाइज, सो गाइज, जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ बहुत सारे लोग बाहर चिल कर रहे हैं, सो लेट्स गो आउटसाइड टू एक्सप्लोर इट. और ये रही इनकी आउटसाइड एरिया है, और साइड पे लोग खड़े हुए थे. और ये है डाउन पार्ट जो पेड़ के नीचे है. और इसकी जो बेस्ट पार्ट है ना, बहुत ही अच्छा कामिंग स्पेस है. आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा दिन में गई हूँ और धूप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग इधर नहीं थे. शाम को डेफिनेटली इधर चिल करते हैं लोग. और इधर बहुत ज़्यादा वाइट स्पेस था वाइट चेयर के साथ, ये काइंड ऑफ लुक है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है. और इसके अलावा भी इसके नीचे भी फ्लोर्स है जहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगी. और ये रही नीचे वाली डाउन सेक्शन जहाँ पे बहुत ब्लैक वाइब है, ब्लैक चेयर्स वो लोग यूज़ किए. सो इसी के साथ मुझे मिल गई मेरी सिट, और हियर इज मी. एंड गाइस, बैकग्राउंड इज लुकिंग सो प्रिटी. और इसी के साथ साथ हम आज की मेनू देख लेंगे टैप रूम बाय सरलक की. ये रही कुछ मेनू, अब देख सकते हैं प्राइसेस. ऑलरेडी स्कैन करके आपको बिग मेनू मिल जाएगी. इधर जो हाइलाइटेड पार्ट है वो थी. उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था स्ट्रॉबेरी शेक और स्ट्रॉबेरी वेनिला शेक, और उसके साथ
एंजॉय करते हुए। और उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था कॉर्न पिज़्ज़ा जो बहुत ही अच्छा सा था, और मैंने कोई ड्रिंक्स व्रिंक्स ट्राई नहीं किया। आप डेफिनेटली ट्राई करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है उसी चीज़ के लिए। सो गाइज, हियर इज द बार एरिया, और इनकी बार काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। और इसी के साथ मैं रिकॉर्ड करते हुए हाय गाइज, और ये रही थोड़ी सी डाउन में सिटिंग अरेंजमेंट जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यूके साइड की जो पब होते हैं ना उससे इंस्पायर थी, और ये बहुत ही सुंदर सा था। और इसी के साथ साथ मैं दूंगी इधर की रिव्यू, सो स्टे विथ मी गाइज। सो गाइज, इट्स रिव्यू टाइम एंड आई एम इन होम। और रेस्टोरेंट के बारे में बात करते हैं। रेस्टोरेंट इज लुकिंग सो प्रेटी। वन थिंग आई वॉन्टेड टू से गाइज, जब मैं पहले स्टार्टिंग में बाहर से देख रही थी, द रेस्टोरेंट लुक्स लाइक वेरी स्मॉल और बहुत ही ज्यादा कम्पैक्ट है। बट वेन आई एंटर, एंड ऑलरेडी यू गाइज ऑलरेडी देख लिए हो, तो वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही ओपन स्पेस था और बहुत ही वाइडली स्प्रेड था। हाँ, दैट इज द वन थिंग आई रियली लाइक इट। एंड उसके बाद गाइज, फूड के बारे में बात कर लेते हैं। फूड इज लाइक ओके, नॉट सो ग्रेट। ऑब्वियसली यू विल गेट सो मेनी वेराइटीज ऑफ ड्रिंक्स, तो ड्रिंक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है हियर एंड ऑल, एवरीथिंग यू विल गेट देयर। एंड गाइज, फूड इज ओके, एंड दी इंटीरियर इज गुड गाइज। मतलब मुझे इस टाइप ऑफ इंटीरियर पसंद नहीं आता है, बट आई थिंक बॉयज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और फोटो क्लिक करने के लिए बहुत ही ग्रेट स्पेस है, तो फोटो भी अच्छा आ जाएगा। सो दैट्स इट। आई थिंक आई गिवन ऑल द डिटेल्स अबाउट द टैप रूम सेलर। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई विल ग्रो फास्टर। सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड बाय बाय गाइज।